नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं मकर राशि की। मकर राशि यानी शनि की राशि और शनिदेव आपकी राशि के स्वामी होते हैं, तो अक्टूबर माह में शनिदेव लग्न में बैठकर आपके लिए क्या परिणाम देंगे, क्योंकि लग्न में ही आपकी ही राशि में ही शनिदेव मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये है आपकी गोचर कुंडली। शनिदेव लग्न में बैठे हैं, शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और 23 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद गुरु की बात करें तो गुरु जो है ये वक्री अवस्था में ही रहेंगे अपनी ही मीन राशि में। राहु जो है वक्री अवस्था में चौथे घर में रहेंगे। मंगल जो है शुरुआती दिनों में 15 तारीख तक आपके रहेंगे पंचम भाव में, उसके बाद ये मिथुन राशि में चले जाएंगे महीने के अंत तक। और फिर उसके बाद देखिए तो बुध शुक्र सूर्य, तो बुध जो है 24 अक्टूबर को तुला राशि में और सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर को तुला राशि में, शुक्र 18 अक्टूबर को तुला राशि में कन्या से तुला में चले जाएंगे और 10वें घर में चले जाएंगे। तो 10वें घर में जाकर देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि चार ग्रह एक साथ हो जाएंगे, केतु बुध सूर्य और शुक्र 10वें घर में। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि सूर्य बुध आदित्य योग भी बनेगा और दूसरा क्या है कि राहु की दृष्टि जो होगी सभी 10वें घर पर होगी। और आगे बात करते हैं, अगला ग्रह बचा चंद्रमा। जो चंद्रमा जो है वो वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करके आपको शुभ अशुभ परिणाम देते रहेंगे। तो मकर राशि वालों की ये गोचर कुंडली थी, ग्रहों का परिवर्तन था जो मैंने आपको बताया। और चंद्रमा 11वें भाव से अपना स्थान शुरू करेंगे, राशि अपना यात्रा शुरू करेंगे इस महीने की। शनि की सप्तम दृष्टि 7वें घर पर होगी, तो थोड़ा वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा तनाव हो सकता है, शादीशुदा के कामों में विलंब हो सकता है, जीवन साथी से सोच समझ कर बात करिएगा। और शनि की घातक दृष्टि गुरु पर भी होगी, तीसरी दृष्टि। और महीने के मध्य भाग में शनि की दृष्टि केतु बुध सूर्य और शुक्र पर भी होगी, 10वीं दृष्टि। तो ये था ग्रहीय समीकरण, दृष्टियों के बारे में भी बताया, सब कुछ बताया। अब परिणाम क्या मिलेंगे, शुभ मिलेंगे क्या शुभ मिलेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मकर राशि वालों के लिए जो राशिफल है अक्टूबर का, हमने चार भागों में बांटा है। तो पहले सप्ताह की बात करते हैं, तो 1 तारीख को रुका हुआ फंसा हुआ काम पूरा हो जाएगा, आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, आपके मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपका कोई पैसा वैसा किसी ने देना था उधार वो वापस मिल जाएगा। जिस काम को आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि पूरा नहीं हो रहा है, अटक रहा है, तो 1 तारीख को वो काम पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी महीने की शुरुआत अच्छी हो रही है, यानी आपके अधूरे अटके फंसे हुए काम पूरे हो जाएंगे। 2 और 3 तारीख को आपके जो पैसों से संबंधित काम है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, बीमारी सुस्ती में पैसा लग सकता है, मानसिक चिंता हो सकती है, कुछ पैसों का नुकसान या बेवजह के खर्चे हो सकते हैं, या शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, या आपके काम में रुकावटें आएंगी, या आपका पैसा कहीं उल्टी सीधी जगह पर खर्च हो जाए, या आपके साथ ठगी हो जाए, या अपने ही पैसे को पाने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी पड़े, या मेहनत करें और उसके परिणाम न मिले। 4 और 6 तारीख को आप अपनी जिम्मेदारियों को वैसे निभाएंगे जैसे निभाना चाहिए, आपके काम बनते हुए नजर आएंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आप दूसरों के साथ अपने ज्ञान को साझा करेंगे, दूसरों से कुछ सीखेंगे, किसी से सीखेंगे, किसी को सिखाएंगे और अपने अनुभव से अपने नौकरी व्यापार में और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे और मेहनत के साथ आगे आने वाले भविष्य को अच्छा बनाने की प्लानिंग करेंगे, तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं कि 7 तारीख को क्या होगा। 7 तारीख का दिन ठीक ठाक रहेगा, ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। और आप व्यापार में कुछ जो आपकी दिक्कतें थी, कोई परेशानियां थी, जो काम अटक रहे थे वो पूरे हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले सप्ताह की। 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का समय, तो 8 अक्टूबर को आप थोड़ा सा ईश्वर की भक्ति में मन लगाएंगे, हो सकता है आप खुद या आपके घर के किसी सदस्य को तीर्थ यात्रा पर भेजे, मंदिर वगैरह जा सकते हैं, धार्मिक कार्य हो सकते हैं, कोई पूजा पाठ हो सकता है, हवन वगैरह हो सकता है, मतलब ईश्वर में आपका ध्यान बढ़ेगा, माता पिता से आपको आशीर्वाद मिलेगा, पारिवारिक संपत्ति पारिवारिक पैसा आपको
मिल सकता है, कोई धनराशि मिल सकती है, घर गाड़ी वाहन या कुछ जरूरत पूरा करने के लिए। मन लगाकर बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे, देश विदेश से संबंध जुड़ेंगे, विदेश से आपने कोई अप्लाई किया हुआ था तो उसके चांसेस है आपके विदेश के किसी काम को पूरा होने के। सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। 9 और 10 को आपकी आमदनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो भी काम करेंगे उसमें धन प्राप्ति के योग है, प्रमोशन हो सकती है नौकरी करने वालों को, बेरोजगारों को नौकरी लग सकती है, या आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम में आपको बढ़ोतरी मिल सकती है। मित्रों के साथ से और अच्छा आपको काम बनता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत से आपके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ए दिन दूरी रात चौड़ी, तरक्की होगी और कठिन से कठिन काम, मुश्किल से मुश्किल काम में आपको सफलता मिलेगी। 11 और 12 तारीख को थोड़ा सा परिवार में कलह कलेश हो सकता है, दोस्तों यारों में वाद विवाद हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच में लड़ाई, दोस्ती यारी में दरार या फिर वैवाहिक जीवन में खटपट हो सकती है या घर में अन्य लोग आपस में ही लड़ जाएं, ध्यान रखिएगा। आर्थिक बजट जो है आपका इस सप्ताह में, इस सप्ताह की बात नहीं करेंगे, 11 और 12 तारीख को अब बिगड़ सकता है तो ध्यान रखिएगा। महीने की शुरुआत में 1 तारीख को भी खर्चा हो सकता है और 11 12 तारीख को भी खर्चे बेवजह के हो सकते हैं, बेकार के हो सकते हैं। 13 और 15 अक्टूबर को आप अच्छी तरीके से काम करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, दोस्ती यारी में आप कोई पार्टी वार्टी दे सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपना काम भी अच्छे से करेंगे, यानी घर को भी अच्छे से संभालेंगे, यारी दोस्ती को भी अच्छे से संभालेंगे और अपना काम भी मन लगाकर करेंगे। और जो बच्चे PhD कर रहे हैं या किसी हायर एजुकेशन में, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा। अब बात करते हैं 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर की, यानी कि तीसरे सप्ताह की। तो 16 और 17 तारीख को अच्छे मन मुताबिक काम बनते हुए नजर आएंगे, कार्य क्षेत्र में, घर में, हर जगह पर सफलता मिलेगी। समय आपको पैसा देकर जाएगा, मान सम्मान देकर जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी काम करेंगे मिट्टी को सोना बना देंगे, सोने पर सुहागा रहेगा और मंगल और चंद्रमा की युति होने से महालक्ष्मी योग बन जाएगा। शत्रु का वार खाली चला जाएगा, शत्रु से आप बच जाएंगे। इस समय में किसी को उधार देना नहीं है, किसी से उधार लेना नहीं है, अपने कामों को करते रहिए। व्यापार में सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट करिए, उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना व्यापार में आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वक्त अच्छा है तो उधार मांग मांग के दूसरों से पैसा लगा दिया, आज अच्छा है कल अच्छा हो या ना हो, कल जब चुकाना पड़ेगा तो कौन देगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 18 और 19 तारीख को पति पत्नी में बड़ा प्यार होगा, पति पत्नी एक दूसरे से मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे की सलाह से तरक्की होगी, जो गिले शिकवे थे दूर होंगे। कुंवारे हैं तो शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, कोई अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है आपकी व्यापार में और किसी ऐसे व्यक्ति से आपको ज्ञान मिल सकता है, अनुभव मिल सकता है, जानकारी मिल सकती है जिससे आपके बिगड़े काम बन जाए या आपको कोई नया आइडिया आ जाए। 20 और 22 अक्टूबर को कुछ थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकती है, किसी बात को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, परेशान हो सकते हैं, शत्रु आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, काम में रुकावटें आ सकती हैं। 23 तारीख को थोड़ा सा चैलेंज होगा, काम होंगे लेकिन आसानी से नहीं होगा, आपका मूड थोड़ा खराब होगा, जुबान कड़वी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो दीपावली अच्छी बीतेगी लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ी खटास रहेगी, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई ऐसी बात हो जाए जिसको सुन के मन थोड़ा सा दुखी हो जाए, ऐसा हो सकता है। 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की बात करें, यानी कि अंतिम सप्ताह की, तो 24 तारीख को अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई वाद विवाद था या जो आपको अप्रिय खबर 22 तारीख को मिली थी, आप उसे उबर जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। बहुत सारी व्यस्तता रहेगी, भागदौड़ हो सकती है किन्हीं अलग अलग कामों को लेकर, आप अपने लिए समय निकाल नहीं पाएंगे, खाने पीने के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आप कहीं जा सकते हैं, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, बिजी रहेंगे। काम के सिलसिले में यात्राएं हो सकती है। 25 और 26 तारीख को आपके विचार अच्छे रहेंगे, निर्मल रहेंगे, आप सही तरीके से सोचेंगे, सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। घर की साफ सफाई, घर में नई चीजों का लाना, पुरानी चीजों का हटाना, इन सब में व्यस्त रहेंगे, अपनों को मनाने में लगे रहेंगे। घर में, घर को बड़ा करने के लिए, घर का निर्माण कार्य करने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं या घर को बड़ा करने के लिए मिस्त्री लग सकते हैं, काम की शुरुआत हो सकती है, जो सोचे हुए काम थे वो पूरे हो जाएंगे। 28 और 29 अक्टूबर को आपको रोजी रोटी कमाने के, अपने काम धंधे को बढ़ाने के और अच्छे मौके मिलेंगे, आपको नौकरी करने के अच्छे मौके मिलेंगे, नए आप आइडियाज आएंगे, व्यापार में नई
कंपनियों से ऑफर आ सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी काम के क्षेत्र में। विदेश से भी संबंध जुड़ सकता है, नौकरी या शिक्षा का। आप इंडिया में काम करते हैं किसी एमएनसी में तो आपको विदेश भेजा जा सकता है। उसके बाद बाकी के दिनों में आप शादी पार्टी में जा सकते हैं, शरीक हो सकते हैं, खूब पार्टी वार्टी में मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे पारिवारिक और अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे। 30-31 को थोड़ा सा आप थकान ग्रस्त हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, चिड़चिड़े हो सकते हैं, या आप ऐसा कहें कि 30-31 तारीख को बिन बुलाए परेशानी आपको परेशान कर सकती है, जैसे गलती भी आपने नहीं करी फिर भी आपको सजा मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। या कोई काम में आपका कोई लेना देना नहीं था, उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर सौंप दी गई, या आपके ऊपर झूठा आरोप लग गया, या शत्रु ने अपनी ऐसी चाल खेली कि आप समझ नहीं पाए और उसकी चाल में फंस गए। 30-31 तारीख को थोड़ा सा हर एक मामले में सावधान रहिएगा, सेहत से लेकर काम, काम से लेकर व्यापार, व्यापार से लेकर परिवार, दोस्ती यारी, ये वो सब। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए महीना अच्छा है, थोड़ा सा बीच बीच में कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते रहेंगे, पैसे वैसे की कोई कमी नहीं होगी, धन दौलत आपकी बढ़ेगी, सब कुछ ठीक रहने वाला है। बस हनुमान जी की उपासना करते रहिए, कोई कष्ट नहीं होगा। अब अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लें ताकि ये दीपावली या आने वाले शुभ त्यौहार आपके लिए बढ़िया हो। अब देखिए, अगर जन्म कुंडली में सितारे अच्छे नहीं होंगे तो आप लाख कोशिश कर ले आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अगर अच्छे होंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो इस दीपावली को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हैं, शानदार बनाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और तरक्की पाएं। मैं आपको बताऊंगा कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, क्या रत्न पहने, क्या आभूषण पहने, क्या रुद्राक्ष पहने, जिससे आपका भाग्य खुल जाए। यानी ज्योतिषी उपचारों से इस दीपावली में हम अपने भाग्य को चमका लें, और आगे सिर्फ इस दीपावली नहीं, 2022, 2023, 24, 25 आप धनवान बनते रहेंगे। तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। और रही बात कि इस महीने कौन सी पूजा की जाए जिससे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़िए। हनुमान चालीसा की दो लाइनें मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरी इच्छा। तो जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसके काम बन जाते हैं, क्योंकि सिद्ध है और भगवान शिव इसकी गारंटी लेते हैं। जिस पर भगवान शिव ने गारंटी ले ली उस चीज को पढ़कर लाभ होना निश्चित है। दूसरी चीज है, दूसरी लाइन है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट यानी परेशानी, या परेशानी किसी भी तरीके की हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, किसी भी तरीके की परेशानी हो सकती है। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। यदि हर तरीके के संकट परेशानियों से हनुमान जी बचा लेंगे तो हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए और जय श्री राम का उद्घोष करिए, जयकारा लगाइए, काम बनते चले जाएंगे। और अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइएगा ताकि कष्ट हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इन्हीं दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।